बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से आ रही है, जहां बता दें कि आशिक मिजाज कोटेदार सुरेश पर महिला ने यौन शोषण का लगाया आरोप। कोटेदार सुरेश ग्राम पलहरिया थाना पिसामा का रहने वाला है। 19 साल से साथ रह रहा था आशिक मिजाज कोटेदार सुरेश, अब महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वही महिला को अपने घर में नहीं दे रहा रुकने, महिला किराए के मकान में रह रही है, जीवन यापन कर रही है। किसी तरह बच्चों के आधार कार्ड पर पिता के नाम की जगह दर्ज है कोटेदार सुरेश का नाम। दबंग किस्म का कोटेदार सुरेश महिला ने IGRS के माध्यम से लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार। पूरा मामला थाना पिसावा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मंजू, कैसे आई यहाँ, क्या हुआ? यहाँ एप्लीकेशन देने आई थी। क्या सुरेश परेशान कर रहे हैं, काहे मारे पीटा थे, घर से निकाल, पहले शादी करी, शादी झांसा देते रहे, शादी कर लेंगे, और शादी करी ना मेरे संग। 18-19 साल हुई रात मारे तीर, अब मारत पीटा थी, घर से निकाल दें, मार देने धमकी दे रहे कि मार रही, निकलना दे रहे भाई रात। फिर हम भाग गया है ना, इनके ऑफिस में ही आए थे देन एप्लीकेशन। खर्चा से कैसे चलता? खर्चा कैसे ना चलते, काम करके खाती हैं, काम करके खाती हैं। हाँ, चलते उनसे कहा कि हम रखने कि घर पे ले चलो तो क्या कर रहे थे? तो मारने पीटने की, तभी तो धमकी दे रहे मारने पीटने की। अच्छा, इससे पूर्व भी उनकी बीवी है कोई? बीवी है, बच्चे हैं। जब आपके साथ रह रहा तब ये नहीं बताया कि हमारे? नहीं, तब नहीं बताया, मेरा परिवार है, मेरी बीवी बच्चे हैं, तब कोई नहीं बताया, तब कहे तुम ही हो। दो बच्चे हैं। आप कहाँ पे आई हैं? इस समय हम SP ऑफिस आई सीतापुर। दो बच्चे हैं, उनके आधार जो बने हैं वो उन्हीं के नाम से बने आधार हैं। उन्हीं के नाम से बने? हाँ, आधार हैं, स्कूल में हैं। स्कूल में नाम भी TC बच्चे सब उन्हीं का है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? पलहरिया के। कौन सा थाना है? पिसामा। क्या करते हैं वो? कोटेदारी करते हैं।